वेरी गुड इवनिंग एवरी वन, आई एम स्मृति रस्तोगी एंड आई एम संजीव कुमार. वेलकम बैक टू योर लव्ड प्रोग्राम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. इस हफ्ते काफ़ी हमारे को मेल्स आए एंड आप लोगों ने जैसा चाहा उसी टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं. बर्ड्स ऑफ द वाइल्ड एंड वाइल्ड बर्ड रेस्क्यू, यू नो, वाइल्ड लाइफ एंड रेस्क्यू एलिमेंट्स रिलेटेड विद देम. ऐसे बर्ड्स के साथ में काम करते हुए हम उनके लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं एंड क्या काफी जो नोन लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे. बिल्कुल. और उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो विषय है उसके बारे में बात कर लें कि हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक एक बहुत ही खास पर्व मनाया जाता है भारत में जिसे कहते हैं वन महोत्सव. और अभी हाल फिलहाल ये वन महोत्सव खत्म हुआ. अच्छा, इसका लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहला लक्ष्य होता है कि एनवायरमेंट को सुरक्षित करना, अवेयरनेस फैलाना कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं. तो इन इम्पॉर्टेंट लक्ष्यों के बीच और इस उपलक्ष्य में, क्योंकि हाल फिलहाल ये वन महोत्सव खत्म हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स का वाइल्ड लाइफ को लेकर के जो रेस्क्यू मिशंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं या जो रेस्क्यू करते हैं उनमें से क्या कुछ ऐसा होता है जो ज़रूरी होता है, क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं और क्यों इतना महत्व रखता है. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं जिनको आज हम टच करेंगे, इनके बारे में हम समझेंगे, आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाएंगे. और हमारे साथ स्टूडियो में आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले राकेश खत्री जी, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको बहुत पॉपुलरली नेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें कौन नहीं जानता. राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में. और एक और बहुत खास मेहमान है हमारे साथ शो में, आइए आपका उनसे भी परिचय कराते हैं. नदीम शहजाद जी, ये वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेटर हैं. और एक बहुत अहम बात जो कि गर्व की बात है भारत के लिए और मुझे लगता है पेट जगत के लिए, कि इनको हाल फिलहाल इस साल इनकी जो फिल्म है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको लेकर के कांस जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें इनको गोल्डन आई अवार्ड से नवाजा गया है. बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू नदीम जी. और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ, क्योंकि दो बहुत खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, तो आपके जो कुछ भी सवाल हो बर्ड से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, आप हमें कॉल करिए. हम कोशिश करेंगे, क्योंकि संजीव खुद हैं हमारे साथ, वो भी कई सालों से, कई वर्षों से खुद ये पेट एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड में बहुत काम किया है इन्होंने, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जो जवाब है यहाँ इस मंच पर आपको दिया जाए. हमारा फ़ोन नंबर है 0112309 7532. मैं आपसे पूछूंगी राकेश जी, आप इतने खूबसूरत दो ये जो चीज़ें यंत्र लेकर के आए हैं, मैं कहूंगी क्योंकि अभी तक लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये नेस्ट हैं किस तरीके, पहले आप इनके बारे में बताइए हमें. देखिए, ये एक इको फ्रेंडली नेस्ट है पूरा का पूरा. ये जूट और बेंत की स्टिक से बना हुआ है और बच्चे इसको 30 से 35 मिनट में हमारे साथ इंस्ट्रक्शन देखते हुए समझते हुए बना लेते हैं. बहुत पॉपुलर है बहुत, और इसकी तादाद मुझे लगता है अब तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गई है जो हमने लोगों को बनाने सिखाए हैं. ये होल है इसका जहाँ से चिड़िया अंदर जाती है, जब एग ले करती है, हैच करती है, उसके बाद वो बाहर आ जाती है, फिर यहाँ बैठ के वो आवाज निकालती है और बच्चों को यहाँ से खाना खिलाती है. अच्छा, तो ये तो 100% इको फ्रेंडली है. दूसरा नेस्ट जो है ये टेट्रा पैक का बना हुआ है, ये प्योर में बात भी हम कर रहे हैं जी, ये टेट्रा पैक का बना हुआ है और ये भी बहुत बड़ी तादाद में हम अब तक बना चुके हैं. ये अनुकूल रहता है क्योंकि इसमें कागज बहुत ज्यादा है और जितने भी अलग अलग ब्रांड के जो टेट्रा पैक आते हैं उससे ये बनाया जाता है. तकरीबन 300 से 350 पैकेट्स एक नेस्ट के अंदर लग जाते हैं. बहुत अच्छी और चिड़ियों के लिए बहुत मुफीद है, बड़े आराम से रहती है इसके अंदर,
और लोग कहते भी हैं तो उनको डेकोरेटेड एक घर मिल जाता है अच्छा सा। और तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपने ये वाला नेस्ट दिखाया है, ये जूट वाला, तो अमूमन दिल्ली में जितने भी लोग होंगे इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेस्ट आपको मिल जाएगा, आपको स्कूल में मिल जाएगा, पार्क में मिल जाएगा जी, आपको सेंचुरीज में मिल जाएगा। और बहुत बड़ी तादाद में रोज की वर्कशॉप होती है, 300-400 बच्चों के संग इंटरेक्शन होती ही होती है, और जब वो बना लेते हैं तो कितनी खुशी होती है जब उनके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया आ जाती है। बिल्कुल, एक सोशल कॉज है और इस तरीके की जो मुहिम होती है ये बहुत सराहनीय होती है। आज तो हमारे मंच का जो जगमगाहट है वो और भी बढ़ गया है। और नदीम जी, आपसे बात करूंगी क्योंकि इतना आपने एक गौरव की बात है, गर्व की बात है कि इस तरीके से आपको एक गोल्डन आई अवार्ड से नवाजा गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। पहले अपनी इस फिल्म के बारे में थोड़ा हमें बताइए और इस जर्नी के बारे में बताइए। ये स्टार्ट हुआ था 3 साल पहले जब डॉक्टर डायरेक्टर जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शौरक सेन, वो उन्होंने हमसे विजिट किया और बाकी हमसे बात करके उस फिल्म को की बात की। तो तब से 3 साल का शूटिंग टाइम लगा जिसके अंदर वो हमेशा कैमरे के साथ हमारे साथ रहते थे। तो हम इतने ज़्यादा जी हाँ 3 साल काफ़ी लंबा वक्त था, बीच में जी हाँ, लेकिन बीच में कोविड लॉकडाउन हो गया था तो थोड़ा टाइम इस वजह से और स्ट्रेच हो गया। तो उसके काफ़ी इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गए थे हम कैमरे के सामने कि हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे, और जो उनको जो फुटेज चाहिए था फिल्म को बनाने के लिए उनको उसके मिल पाया। तो बाकी एक पूरा एक इंटरनेशनल एफर्ट था जिसके अंदर कैमरा पर्सन सिनेमाटोग्राफर बाहर के थे, कुछ इंडियंस थे, कुछ एडिटर बाहर के थे, प्रोड्यूसर थे, तो एक काइंड ऑफ अ मल्टीनेशनल एफर्ट था। और जी हाँ, तो उसके उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि कैन फिल्म फेस्टिवल के अंदर नंबर वन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला। अवार्ड मिला आपको जिंदगी में, मतलब उस ये जो आपका सफ़र यहाँ तक रहा और अवार्ड मिलने के बाद अभी तक क्या अंतर आया आपके इस सफ़र में? नहीं, वैसे तो कुछ जो हमारा काम डेली चलता आ रहा था वैसे चलता आ रहा है, पर यह है कि लोगों का प्रेजेस काफ़ी मिले हमें, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, और अब थोड़ा बेहतर लोग हमें जानते हैं, हमारे काम को समझ पाए हैं। पहले लोग इतना नहीं हमारे काम को नहीं समझ पाते थे, जब उन्होंने देखा कि हम डे टू डे कैसे करते हैं काम, क्या डिफिकल्टीज आती है उसका, हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा। राइट। आपसे और बातें अभी कंटिन्यू करेंगे। नागपुर से हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल जुड़ते हुए आपका सवाल पूछिए प्लीज। जो कबूतर के समान जो पक्षी रहता है उसको टिटवी बोलते हैं हम महाराष्ट्र में जी, उसने वो आकर उसने इसके पहले छोटे छोटे अंडे दी थी, वो अंडे देखकर फिर बाद में चिड़िया आ गई, अब वो चिड़िया ने घोंसले बनाई, वो फिर वापस आ गई, वो चिड़िया को भगा दी, ऐसा क्यों होता है? चिड़िया आपका सवाल हम मुझे लग रहा है कि वो ही बोल रहे हैं घोंसला बना करके अपना घोंसला छोड़ करके चिड़िया क्यों उड़ गई? उड़ गई हाँ, तो अंडे छोड़ के अंडे छोड़ करके उड़ गई है। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड उसको सेफ फील नहीं करता जी, आफ्टर लिंग एग के बाद भी उसको लगा कि वो जगह सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, तो इस केस में वो चला जाता है, तो अबैंडन भी कर देते हैं जी हाँ। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो उसकी डेथ हो गई हो या हंट हो गया हो, या वो मे भी हो सकता है मार दिया हो किसी दूसरे एनिमल ने मार दिया हो, एक्स अबैंडन करके चले जाते हैं कभी कभार, कभी काफी रेयर, बहुत कम होता है वो, बहुत कम होता है। लेकिन जैसे अगर इन्होंने हो सकता है उसको चेक किया हो, इंटरवेंशन झांका हो, देखा हो, टच किया हो, तो उससे वो डर जाते हैं जी। तो क्या ऐसा होता है कि अगर हम टच करते हैं तो हमारा सेंट पास ऑन हो जाता है? नहीं, ऐसा एक सिर्फ मिथ है। अच्छा, बर्ड्स का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है बहुत वीक होता है, वीक होता है, और हजारों बार ऐसा हुआ है कि उनके बर्ड्स के बच्चे गिर जाते हैं तो हम लोग उसको एक गत्ते से लेके उसमें दोबारा रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉप कर ले, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को क्यों नुकसान करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलत नेस्ट में रख देते हैं तो प्रॉब्लम आ, वो एडल्ट बर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वापस बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया, अगर कभी भी ऐसा हो कभी भी आप ज्यादा छेड़खानी मत करिए या उनको टच मत करिए क्योंकि वो डर जाते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को ज्यादा प्रोटेक्टेड रखिए, और ज्यादा आप खिड़की अगर नहीं खोलेंगे तो वो ऐसा शायद नहीं होता। वी विश यू द बेस्ट फॉर दैट। कई बार क्या होता है नदीम कि आप क्योंकि आपने इतना काम किया है इस फील्ड में, तो आप कभी कहीं जा रहे हैं आपको एक इंजर्ड बर्ड मिल गई है, और इंजर्ड बर्ड भी अलग अलग, जैसे कि हो सकता हो कि एक हैचलिंग हो कि जिसने आँख भी ना खोली हो, एक 14-15 अलग अलग स्टेजेस की हो लाइफ में, तो ऐसे में क्या कुछ होता है जो हम कर सकते हैं उनको बचाने के लिए? देखिए, अगर वो हैचलिंग है, वो बहुत छोटा बर्ड है, अगर वो नीचे ग्राउंड पे आपको मिला है तो या तो बिल्कुल उसके ऊपर उसका नेस्ट होगा, क्योंकि वॉक नहीं कर सकता वो, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सकता अपने नेस्ट से, तो उसको आपको ढूंढना जरूरी है कि नेस्ट क्या है, और उसको सबसे अच्छा तरीका है फॉलो द पेरेंट्स।
पेरेंट्स उसको अबैंडन नहीं करते, वो आसपास जरूर मंडराते रहते हैं. तो आपको ये देखना है इसके पेरेंट्स कौन हैं और उनका नेस्ट कहाँ है, और उस हिसाब से आप रख सकते हैं उसको वापस उसके नेस्ट. उनका नेचुरल उसमें डिस्टर्ब मूवमेंट होगा कि वो बार बार नेस्ट के पास जा रहे होंगे. जी हाँ बिल्कुल, आपको खुद समझ जाएंगे उसको देखकर, वो खुद ही डिस्टर्ब होंगे काफी. जी जी, और उसके लिए आपको एक ध्यान जरूर रखना है कि उसको आप किसी दूसरे नेस्ट में ना डाल दें, क्योंकि एक एक पेड़ में कई सारे नेस्ट होंगे, तो उसमें जो दूसरे अगर गलती से नेस्ट में डाल देंगे तो वो उसको वापस बाहर फेंक देंगे. दूसरा, अगर आप उस हाइट तक नहीं जा सकते हैं जिस हाइट तक उसका नेस्ट है, तो एक आप छोटा नेस्ट बना सकते हैं एट लोअर लेवल, जहाँ पे राकेश जी का जो उनका बना हुआ नेस्ट है वो बहुत कारगर रहते हैं ये नेस्ट. तो बस इतना ध्यान रखना है कि दूसरा एनिमल वहां तक ना पहुंच पाए. मत जैसे आपने बहुत नीचे लगाया और पता लगा बिल्ली चली गई वहां, तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप कर सके. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब लोग हमेशा करते हैं जब भी उनको बर्ड मिलता है, सबसे पहले उसे खाना खिलाने की और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं. जी, वो ना करें. मुझे यही पूछना था. सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अब मैं इसको क्या करने को दूं, इसलिए आप उसके पेरेंट्स को काम करने दीजिए, जो बस आप ये देखिए कि आप उसे सेफली किस जगह रख सकते हैं. अगर ऐसा हुआ कभी राकेश जी कि नहीं उनके पेरेंट्स मिले, नहीं समझ में आया कि कहां से, हो सकता कोई बिल्ली ने चपट्टा मार दिया हो या कहां पे आकर के नहीं नेस्ट मिला, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर रखते हैं उसको कुछ दिन तक केयर के अंदर. अच्छा, तब खाना पानी देना शुरू करना पड़ता है. जी जी, अच्छा, जो अडल्ट बर्ड होती है उसका रेस्क्यू कितना डिफरेंट होता है एक जैसे न्यू बॉर्न छोटा या 14-15 दिन के बच्चे से? अगर अडल्ट बर्ड रेस्क्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सबसे बड़ी फिक्र नहीं होती उसको ट्रेन करना वाइल्ड में रहने का, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेन्ड होता है, अडल्ट है, वो सर्वाइव कर रहा है अपने टाइम से. दूसरा, उसका देखना होता है कि या तो उसे कोई इंजरी है या कोई डिजीज है या जो उसका प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो पता करना होता है. उसके लिए मैं कहूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल पे जाएँ, डॉक्टर पे जाएँ, वेटरनेरियन पे, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंटर हो या कोई बर्ड हॉस्पिटल हो वहाँ लेकर आएँ. तो उसमें क्या होता है, कई बार लोगों को वुंडेड बर्ड मिलते हैं जो पतंग की डोर से कटे होते हैं. अच्छा. और उनका सर्जरी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लोग अपने घर पे रख लेते हैं, उस पर थोड़ी दवाई वगैरह लगा देते हैं, और ये लोगों का अजम्पशन रहता है कि बर्ड अपने आप ठीक हो जाता है और कुछ दिन के बाद वो उड़ जाएगा. तो उसका जो गोल्डन आर जिसे बोलते हैं, लेकिन वो आर नहीं होता, इसमें तो काफी 2-3 दिन होते हैं, वो निकल जाता है. कैट्स का भी एक मेनस होता है राकेश जी, कि एक ऐसी हाइट पे कैट्स भी लगातार ऐसा अटैक कर देती करती है. तो इसलिए हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि जितने भी नेस्ट लगाए जाए वो सपाट दीवार पे लगाए ताकि बिल्ली ना जा सके. और दूसरा, नदीम भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बर्ड मुझे लगता है बहुत घबरा भी जाता है जब कभी वो इस तरीके की सिचुएशन में आता है, तो घबरा बहुत जाता है. तो उस टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा कुछ दुलार करना ही पड़ता है उसका. सबसे अच्छा रहता है उसको आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखें, जिसके अंदर वो ना आपको देख सके ना सराउंडिंग देख सके. अच्छा, वो सबसे अच्छा होता है. और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप उस बॉक्स को रखें तो ग्राउंड पर नहीं रखें, उसे हाइट पर रखें. उसको एक साइकोलॉजिकल बर्ड को साइकोलॉजिकल अश्योरेंस रहता है कि वो सेफ है. जी जी जी, एज कम्पेयर टू फ्लोर, उससे थोड़ा सेफ्टी फील करता है. राइट राइट. अच्छा, एक और चीज मुझे लगता है जो मेरे भी मन में आई है ये चीज पूछने के लिए, कि अगर आप मना कर रहे हैं कि अगर नहीं नेस्ट मिला, खाना पानी है वो, तो क्यों मना करते हैं कि खाना या पानी पिलाने की कोशिश या खाना खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अमूमन लोग ये करते होंगे, अच्छा ठीक है नेस्ट नहीं तो लाओ हम पिला के देखें, क्योंकि आजकल कुछ वीडियोस भी बहुत वायरल हो रहे हैं कि ड्रॉपर से जैसे पानी पिलानी. तो ऐसा क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है. सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो स्पीशी कौन सा है. तो अगर वो इंसेक्टिवोरस है या वो ग्रेन खाने वाला है या वो मीट खाने वाला है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है. सबसे लोग क्या करते हैं, एक मिल्क का ट्रेंड बहुत है जी. कोई बर्ड मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा तो उसे दूध दे देंगे. कि बच्चा है तो हाँ दूध पिएगा, जबकि बर्ड्स के पेट में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो मीट जो मिल्क को डाइजेस्ट करें. मिल्क जो है वो मैमल्स के लिए बना है, ना कि बर्ड्स के लिए. और दूसरा, उनके टंग में ट्रैकिया होता है, जो हमारा सांस लेने की नली होती है, वो उनके टंग के अंदर एक स्लिट होता है. अच्छा, अच्छा. तो जब आप उसे फोर्स फीड करेंगे तो काफी चांसेस हैं कि आप उसके गले के बजाय उसकी सांस की नली में खाना डाल दें. इसलिए अनट्रेंड इंसान को जबरदस्ती खाना देना बर्ड को, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है. सर, जब से ये जो नेस्ट, ये जो एक नया एक जो कल्चर आया है, मुझे लगता है एक नया रेवोल्यूशन आया है इसका, तो तब से जो बर्ड्स की तादाद है, मतलब उसमें क्या अंतर आया है लोगों का नजरिया? मैं तो जो नोट करता हूँ, जब लगा देते हैं नेस्ट और उसके बाद चिड़िया आ जाती है. कई ऐसी जगह थी जहाँ पहले बहुत चिड़िया दिखाई देती थी,
उसके बाद अचानक गायब हो गई, फिर वहां लगाने शुरू करे नेस्ट और लोगों ने बड़े मन से भी लगाए और वो देखते थे आती है कि नहीं आती है, आ जाती थी तो वो एक अच्छी बात थी। लेकिन अब मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि लोग बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बना के लगाने में, और उसके बाद जब चिड़िया आ जाती है तब उनको शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बर्ड्स की तादाद तो बड़ी है, इससे बड़ी ब्लेसिंग भी कोई नहीं है सर। आप किसी को घर दें, घर तो सब छीन लेते हैं। हम लोग तो अपने घरों में बाथरूम की खिड़की में अगर कबूतर घोंसला बना लेता, लोग बिना देखे ही खिड़की को खोल देते हैं, वो बेचारा चाहे अंडे हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, ये तो हमारे घर के दोस्त हैं, अपने खुद के हमारे साथ ही तो रहे हैं ये लोग, इनकी तो हमें बहुत सख्त जरूरत है। वही हमारे सबसे बड़े प्रकृति के मैसेंजर भी हैं, क्योंकि हम उन्हीं को भगा दिया करते थे। और क्योंकि आपके ही बारे में बात हो रही है तो एक बहुत खूबसूरत सा एक पैकेज है जो हमारी क्रिएटिव टीम ने रेडी किया हुआ है आपके ऊपर, आइए नजर डालते हैं। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं आप राकेश जी, और सालों साल एक मुहिम की तरह इसको चलाना, और अब मुझे लगता है घर घर में आपके बारे में पता है एज अ नेस्ट मैन ऑफ इंडिया की तरीके से, पॉपुलरली यू आर कॉल्ड एज नेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जो पहला आपने नेस्ट बनाया था उसमें जब स्पैरोज आए थे वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? 20 नेस्ट बना के ले गए थे हम ऐसे वाले बेम्बू स्टिक के जी। और मैं ग्रेन की मंडी है हमारे घर के पास तो वहां लगाया था पहला नेस्ट और 19 रख दिए उसके घर में। तो निकलते बढ़ते सिर्फ हंसी उड़ती थी, लोग कहते थे कि आपके बनाए हुए घोंसले में चिड़िया क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। तो उनसे एक ही सवाल पूछा करते थे कि आपने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है जो वो घोंसला बनाए। चौथे दिन जब मैं सुबह निकल रहा था तो मोनिका ने, मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि वहीं जा रहे हो, मैंने कहा। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था, एक माली ने मुझे एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी थी कि इस काम को मत छोड़ना, इस काम में बहुत बरकत है, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो बात हमेशा दिमाग में रहती थी। तो चौथे दिन जब मैं गया तो कुछ नहीं हुआ, मेरी वेबसाइट पे वो फोटोग्राफ है। 11:15 एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया, अब लगती कहानी है वो बिल्कुल फिल्मी। उसने आके पहले उसका चारों तरफ से मुआयना करा, फिर वो फ्लाई बैक कर गया। मैंने जब तक कैमरा रेडी रखा हुआ था बिल्कुल वीडियो और स्टिल्स के लिए, 2 मिनट के बाद वो शायद लौट के आया, फीमेल थी उसके साथ, उनके मुंह में छोटे छोटे ट्विक्स थे वो उन्होंने रखने शुरू करे। वो मेरा जिंदगी का पहला घोंसला था 17 मार्च 2008 के अंदर। उसके बाद से वो तादाद बढ़ती चली गई, फिर वो घोंसला अडॉप्ट होता गया, अवार्ड मिलते गए। पर मुझे लगता है वो अवार्ड जो मिले उनसे ज्यादा कीमती वो अवार्ड है जो लोग फोटोग्राफ शेयर करते हैं कि हमने आपके संग घोंसला सीखा था और वो देखिए उसके अंदर चिड़िया आ गई। इस चीज को जितना लोग समझेंगे, चाहे फिर वो अपने पेट्स को अडॉप्ट करके घर देना, फैमिली देना, वो हर चीज़ में लागू होता है। तो और यही हमारे इस मंच का एक लक्ष्य भी है कि हम आपको हमेशा इस चीज़ को लेकर के एनकरेज भी करते हैं। नदीम जी को लेकर के एक बहुत अगेन इंटरेस्टिंग पैकेज है कि किस तरह से जो इंजर्ड बर्ड्स हैं, स्पेशली जो ब्लैक काइट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ काम इन्होंने अपने ब्रदर के साथ मिल करके किया है, आइए देखते हैं। बर्ड्स को जैसे हम रेस्क्यू करते हैं, बर्ड्स को रेस्क्यू करने के बाद अकॉर्डिंगली जो भी उनका ट्रीटमेंट देना होता है, वो ट्रीटमेंट देने के बाद जैसे भी बर्ड अपने उड़ने लायक हो जाता है वो वहाँ से जा सकता है और जब भी चाहे कुछ अपने खाने पीने के लिए या रेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है।
मोटिवेशन यही था कि एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ कर सकें जिनके लिए करने के लिए कोई भी नहीं आ गया, जिनको इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि वो कहीं एटलीस्ट अपने बुरे वक्त में जा सकें। तो मेन हमारा एम था कि हम इनको एक कंफर्टेबल जगह दे सकें जहाँ पर इनका केयर हो सके, इनको खाना पानी मिल सके और ये ऐसे सड़क पर पड़े पड़े ना मरें। एक थ्रेड वो हवा में हो, आसमान में हो, पेड़ में हो, कहीं भी हो, वो बर्ड्स के लिए खतरा है, वो किसी भी फॉर्म में हो। इसलिए अगर हम पतंगबाजी को कम्प्लीटली छोड़ दें तो ही हम वाइल्ड लाइफ अपने एनवायरनमेंट और बर्ड्स का कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। कोई बर्ड जो पतंग की डोर से कट जाता है तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसकी मसल्स कट जाती हैं, बोन्स कट जाती हैं, स्किन कट जाती है, टेंडन्स कट जाती हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ सर्जन आते हैं जो इस टाइप की सर्जरी करते हैं और हमारा जो सेंटर है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के लिए ही है। सबसे बड़ी बात रहती है फंड्स की, क्योंकि हमारे पास डोनेशंस काफ़ी कम आती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो हमें काम भी बहुत लिमिटेड वे में करना पड़ता है। और दूसरी बात होती है यहाँ बर्ड में नॉलेज काफ़ी कम है, जो हमें नॉलेज चाहिए होती है वो हमें इंडिया के बाहर से लोगों से, डॉक्टर से, वहाँ से उनसे क्वेश्चन करके फिर उनसे हम सॉल्यूशन लेते हैं। दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट मीट होता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता, जो बिकता भी नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी मीट ईटिंग बर्ड्स हैं आकर उसको खाते हैं और उसको हमारे एनवायरनमेंट में सड़ने से बचाते हैं। ब्लैक काइट्स की पॉपुलेशन दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास, लगभग 95% केसेस ब्लैक काइट्स के ही आते हैं। जिस तरह से हमारे शहर बनते जा रहे हैं और जिस तरह से हमारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ रोड्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से जो इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, जिस तरह से ये जंगल में रहते हैं, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उस वजह से कुछ बर्ड्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो रही है और कुछ बर्ड्स इस एनवायरनमेंट की वजह से वो इन एरियाज में से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। नदीम जी का ये जो काम है इतना सराहनीय है कि यहाँ पे स्टूडियो में बैठकर के हम लोगों को गूजबम्स हो गए कि इस लेवल का काम भी, और 2003 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ नदीम जी, 2003 से लगातार इस काम में, कहाँ से मन में आया कि इस तरीके का काम किया जाए, और आपके ब्रदर दोनों मिल करके कर रहे हैं ये काम? जी हाँ, कुछ टाइम पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें एक बर्ड मिला था, जिसको एक चील मिली थी, जिसको किसी भी बर्ड हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया था। अच्छा। चील है, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो चीज़ हमें हिट हुई और फिर काफ़ी सालों के बाद जब हम 2003 में जब ऐसे एक बर्ड मिला तो हमने उसे अपने घर ले आए, इंस्टेड ऑफ कहीं और ले जाने से अच्छा, और अपने घर पे ही डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराया। अच्छा। ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बर्ड आते रहे और हमने अपने छत पर ही उनको रखने का इंतज़ाम कर लिया कि छत पर रहेंगे पूरे टाइम। अच्छा। तो जब से सिलसिला चालू हुआ और अब तक चला आ रहा है। आपको कभी ये प्रॉब्लम आई कि देखिए डॉग्स एंड कैट्स के लिए डॉक्टर्स वेट्स काफ़ी ओपनली अप्रोच कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, क्या बर्ड्स के लिए आपको डॉक्टर्स आसानी से मिल पाए? नहीं, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनके जो केसेस आते हैं हमारे पास वो आते हैं मांझे से कटे हुए, जी, जो पतंग का मांझा होता है, और उसके अंदर बहुत बारीक जो इनके मसल्स और टेंडन्स वगैरह रहते हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि वो कांच का बना होता है वो। जी हाँ, जो इनके जो बर्ड्स के मसल्स होते हैं वो भी बहुत बारीक होते हैं, तो उनको वापस स्टिच करना, अपनी उसकी जगह पर जैसे थे वैसे बनाना, इसमें बहुत ही कम लोगों को काम आता है, और बर्ड एक्सपर्ट डॉक्टर मिलना वो बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश की और उसमें सफलता मिली हमको। और अच्छा, एक और चीज़ होती है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो रिसाव से जो लीकेज हो जाता है इसमें, तो
उनको किस तरीके से, मैं पहले आपसे पूछूंगी कि उनको किस तरीके से आप रेस्क्यू करते हैं या उनकी क्या प्रोसेस होती है, जो तेल में जो एक्वेटिक जो बर्ड्स होते हैं वो अगर रिस जाते हैं तो? हाँ देखिए, वैसे दिल्ली के आसपास तो हमारे आस कोई ऐसा रिफाइनरी या कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ऑयल रिफ प्रोसेस होता हो, इसलिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम बंगाल के अंदर हुआ था ऑयल लीक, जी हाँ, जो मैनग्रोव्स हैं बंगाल के वो काफ़ी इफेक्ट हुए थे। तो इसके अंदर अभी भी इंडिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट टीम नहीं है जो उसको जाकर हैंडल करे, तो उसके लिए वैसे इंडिया में कोई ट्रेनिंग भी अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट ट्रेनिंग मैंने थोड़ा बहुत सीखा था वो US में मैंने सीखा था, तो उसके अंदर उनका एक वॉशिंग का तरीका होता है जिससे ऑयल को वो वॉश करते हैं अलग अलग, जो इंटेंसिटी या विस्कोसिटी कह लीजिए या जो केमिकल कंपोजिशन होता है जो ऑयल बर्ड को लगा है उसे कंटेमिनेंट बोलते हैं। तो जो कंटेमिनेंट को रिमूव करने के लिए जो सोल्यूशन उनको लगाना होता है, पहले एक एक फेदर निकाल के उसको वॉश करके देखा जाता है अलग अलग केमिकल्स से, जो अच्छा उस पर काम करता है उसे बर्ड को वॉश किया जाता है, फिर उसका परसेंटेज कम किया जाता है ग्रेजुअली, और फिर इन द एंड बिल्कुल प्लेन वाटर से उसको वॉश किया जाता है। एक एक बर्ड को बचाना, एक एक बर्ड को रेस्क्यू करना कितना टीडियस काम होता है, और लोग ये काम कर रहे हैं, बचा रहे हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होते हैं तो जो बार्न आउल होता है वो है कैविटी ड्वेलर, वो जाता है एक कैविटी देख के वहाँ नेस्ट करता है। तो कई बार वो चिमनीज के अंदर नेस्टिंग करते हैं और उनके फेदर्स पे ऑयल और सूट वगैरह सब लग जाता है। तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिनको हम वॉश करके वापस साफ सुथरा करके फिर उनको करते हैं। तो हमारे पास मतलब हमारे पास ऑयल ऑयल के केसेस आते हैं लेकिन लीक से नहीं, जी चिमनीज के आते हैं। सर क्योंकि हम वन महोत्सव की बात कर रहे थे शो के स्टार्टिंग में, तो किस तरीके से फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रही है, उसमें एक घर देना, चिड़ियों को घर देना, बर्ड्स को घर देना, कितना अहम ये जो रोल होता है इस तरीके के जो महोत्सव होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, कितना बड़ा रोल निभाते हुए दिखते हैं? उन्हीं महोत्सव में हमने अब की यार एक बहुत अच्छी चीज़ करी कि सिर्फ वही ट्रीज लगाई है जो चिड़ियों के लिए मुफीद है, जिसमें चिड़िया आके अपना घर बना सके। थोड़े से कांटेदार हों, बेर का पेड़ लगाइए आप, अनार का लगाइए, करौंदे का लगाइए। हम लोग भूल गए ना उन पेड़ों को, तो हम याद ही नहीं करते, हम सिर्फ ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हैं। और बर्ड हमेशा, मुझे अगर गलत नहीं तो नदीम भाई, सिर्फ लोकल ट्रीज के ऊपर अपने घर बनाते हैं नॉर्मली, तो हम लोकल ट्रीज लगाते ही नहीं है। हमें तो ऑर्नामेंटल ट्रीज पसंद, बड़े बड़े हम पाम ट्रीज लगाएंगे बड़े बड़े। तो हमने अब क्या ये कोशिश करी कि जितने भी स्कूल्स के अंदर ये प्रोग्राम करा तो वहाँ यही वाले पेड़ लगाए जिनके ऊपर चिड़िया आके अपना घर बनाते हैं। तो सही तरीके के पेड़ लगाने भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी के साथ हमारे पास एक मिथ बस्टर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, आइए उस पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रिचेस खतरे के समय रेत में सर छुपा लेते हैं, इट्स अ मिथ। दीज बर्ड्स आर फास्टेस्ट फ्लाइटलेस रनर्स। इनकी लंबाई 9 फीट तक होती है और वजन 350 पाउंड तक। इफ दे रियली वांटेड टू एस्केप डेंजर, दे कुड जस्ट किक देयर प्रेडेटर्स एंड रन। To bury one's hand in sand, तभी ये कहावत उनके लिए use होती है जो problem से छुपने की कोशिश करते हैं। But ostriches lay their eggs in shallow holes dug in the ground. To ensure their eggs are properly warmed, वे अपने सर को जमीन के नीचे घुसाकर अपनी चोंच से अंडों को घुमाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वे मानो छिपने की कोशिश कर रहे हों। This may have given rise to the head burying myth. लोगों के बहुत सारे ऐसे अटकलें थीं कि क्यों ऑस्ट्रिच डर के मारे अपना सर छुपा लेता है ज़मीन में, मगर आज मुझे लगता है वो जो सारे मिथ्स थे वो बर्स्ट करके हमारी टीम ने बहुत खूबसूरती से जो तथ्य हैं वो आपके सामने लेकर के आए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, अपना सवाल पूछिए, पहले अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरे घर के बगीचे में जो पेड़ है, पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला है, अंडों में से तो बच्चे निकल गए और उनके जो माँ बाप है, जो मतलब जो अडल्ट बर्ड्स है वो निकल गए हैं, अभी उनको खाने के लिए क्या दूं मैं? एक बात होती है कि बर्ड अगर कहीं जाता है किसी चीज के लिए, खाने ढूंढने या कुछ के, तो लोग समझते हैं कि वो अबैंडन करके चला गया,
एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है। तो उसके लिए इतनी जल्दी डिसीजन लेना ठीक नहीं है जी। कम से कम 24 to 48 hours तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पेरेंट्स आते हैं या नहीं आते। कई बार वो इतना अच्छा खाना खिला के जाते हैं कि बच्चों की जरूरत नहीं होती, 24 घंटे भी वो बिना खाने के रह लेता है। सही कह रहे हैं कि बिल्कुल, कई बार क्या होता है लोग जरा सा देखते हैं, अगर आधे घंटे भी नहीं है तो उनको लगता है ये क्या हो गया, अभी तो छोड़ के चले गए, ये जिम्मेदारी हमारी हो गई, हमारा ही काम है वो जी। आज का शो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत रहा, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ टेक अवेज थे, ऐसे चीज़ें थी जिनके बारे में हमें भी मैं खुद अपने बारे में बोल सकती हूँ, मुझे नई चीज़ें पता लगी, नई चीज़ें सीखी हैं आज मैंने। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू सो मच नदीम जी आज हमारे शो में आने के लिए। अगले हफ्ते आपके साथ हम जुड़ेंगे फिर से एक और टॉपिक लेके। एनिमल वेलफेयर के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एजुकेशन एंड एलिमेंट्स अलॉन्ग विद इट, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे। टिल देन लिव लाइफ एंड रिस्पेक्ट एंड लव एनिमल्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।